हाय फ्रेंड्स, एक स्कैन पीडीएफ फाइल में एडिशनल टेक्स्ट को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये पीडीएफ फाइल है, एक इनवॉइस फॉर्मेट है और इस पे जो है मेरा जीएसटी डिटेल एंड जो पैन कार्ड डिटेल है वो डालना यहाँ पे भूल गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस ये जो पीडीएफ फाइल है इस पर साइन भी किया हुआ है, ये स्कैन पीडीएफ फाइल है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस होता है, अगर आपको पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट ऐड करने का रिक्वायर्ड होता है स्कैन पीडीएफ फाइल में, तो आपको इस वीडियो में आपको दो ऑप्शन बताऊंगी। दोनों ऑप्शन के जरिए जो है काफी आसानी से आप पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी पेड टूल्स या पेड सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो कैसे करना है आगे वीडियो में पूरा जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है गूगल क्रोम को ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट को सर्च करना है जिसका नाम है सेजदा, SEJDA लिख के आप जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो है आ जाएगा sejda.com का वेबसाइट। तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट में कुछ इस तरह से पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पे दिखेगा एडिट पीडीएफ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड पीडीएफ फाइल का ऑप्शन दिखेगा तो इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो पीडीएफ फाइल को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा डेस्कटॉप में है और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा जो कि पीडीएफ टेक्स्ट नाम से है और इसको ओपन कर लूंगा। जैसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, इसको आपको क्रॉस कर देना है और फिर जहां पे भी आपको टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन जरूरत है वहां पे क्या करना है, एक बार आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ए वाला ऑप्शन में सिलेक्ट होना चाहिए और एक बार जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिखने का आ गया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हो रहा है और मैं यहाँ पे पूरा नहीं दिखाऊंगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन काफी सारा दिख जाएगा जैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल्ड को यहाँ पे नॉर्मल करने के लिए बोल्ड करने के लिए है। यहाँ पे अगर फॉन्ट साइज बड़ा दिख रहा है तो यहाँ से फॉन्ट साइज को छोटा भी कर सकते हैं, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। यहाँ पे फॉन्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको ये फॉन्ट पसंद नहीं आता तो यहाँ पे दूसरा फॉन्ट भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख जाएगा तो जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे दोबारा जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको लिखने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा पिन आईडी। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी ऐड करना हो, ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई चेंजेस का ऑप्शन दिखेगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे योर टैक्सेस प्रोसेसिंग और योर डॉक्यूमेंट रेडी का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, प्रीव्यू भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे डाउनलोड में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो भी ऐड किया था यहाँ पे देख सकते हैं काफी आसानी से ये ऐड हो चुका है। तो ये एक फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ में एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको कंट्रोल से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर को यहाँ से सर्च करना है। तो स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है पेंट। पेंट लिख के जैसे सर्च करेंगे तो पेंट सॉफ्टवेयर दिख जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, फिर आपको कंट्रोल और वी एक बार भी प्रेस करना है तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा यहाँ पे मेरा जो जीएसटी नंबर है वो मैं डाल दूंगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, आपको पूरा डालना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये अगर आपको फोन ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब इसको चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको जो है 24 में कर लूंगा। यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड आप रख सकते हैं। यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख जाएगा तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं और इसको मैं जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से रख लूंगा। तो ये एक हो गया और दूसरा अगर फिर से करना चाहेंगे तो फिर से आपको क्लिक करना है और फिर से आपको लिख देना है। यहाँ पे मैं डाल दूंगा पेन स्लैश, तो कुछ इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। करने के बाद आपको इसको सेव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन देना, फाइल में जाना है, फाइल में जाना, सेव एज में जाना है और पीएनजी फॉर्मेट को आपको सेलेक्ट करना है। पीएनजी को आपको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो सेलेक्ट करने के बाद इसको पहले पीएनजी में सेव कर लूंगा, डेस्कटॉप में रखूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा रेडी और यहाँ पे सेव में क्लिक कर दूंगा। तो ये जो है पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ दोनों को और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है रेडी।
और ये जो पीएनजी फॉर्मेट है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा लिख देना है पीएनजी टू पीडीएफ। जैसे आप लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा पीएनजी टू पीडीएफ डॉट कॉम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड पीडीएफ फाइल का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वो पीडीएफ को यहाँ से वो पीएनजी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना था, रेडी नाम से था। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग होने में, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ मैंने जो भी यहाँ पे चेंजेस किया था वो चेंजेस हुआ नहीं। जैसे कि यहाँ पे रेडियो वन नाम से है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप नीचे जैसे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है काफी आसानी से यहाँ पे जो है टेक्स्ट एड हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ गया होगा पीडीएफ फाइल में एक्सटर्नल टेक्स्ट को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो में दी गई जानकारी अगर शेयर करें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मैं दोस्तों शेयर भी कीजिए, और फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं।